देखो भाई स्पीड चेक करो इसकी। ओ भाई अपन इस वाले में ट्राई करते पैसा वसूल है। तुम सबको व्यू दिखा देता हूँ, देखो इधर से व्यू देखो भाई। ₹200 एक घंटा बहुत है। ओ भाई साहब बंदूक के देख रहे हो। ओ भाई उल्टे कर दिए सारे, डाउल हो गया तैयार। ओ भाई बहुत बड़ा सारे लग रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं। तेरी और तेरी। सो हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं रोहित और मैं हूं अभी पोखरा के अंदर, और यहां से अब हम जा रहे हैं यहाँ का एक फेमस प्लेस है जिसका नाम है पोखरा डिज्नीलैंड। हाँ मतलब कि नेपाल का एक अलग ही डिज्नीलैंड है, और पिछली बार भी मैं यहाँ गया था। मतलब बहुत ही प्यारा है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। बहुत ही सारी उसमें अमेजिंग वगैरह मतलब चीज़ें हैं, गेम्स वगैरह है, झूले वगैरह है, एक डिज्नीलैंड की तरह ही बना रखा है पूरा। निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते सीधा पोखरा डिज्नीलैंड। रात हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं अपने हॉस्टल से बाहर। ये हम आ गए स्ट्रीट पर। स्ट्रीट मतलब जो पोखरा की मार्केट वगैरह वो सारी इसी स्ट्रीट पर है, और डिज्नीलैंड है इस तरफ। तो अपन चल रहे हैं इस तरफ एक बार, और दुकानें वगैरह देख लो, ये अपने इंडिया की तरह ही दुकानें हैं। तो यहाँ से मुश्किल आपकी होगी 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही पोखरा डिज्नीलैंड। तो अपन चल रहे हैं पोखरा डिज्नीलैंड की तरफ। हम अब एंट्री कर चुके हैं पोखरा के डिज्नीलैंड के अंदर। ये देख रहे हो भाई साहब लाइटिंग मतलब बड़ा कसूत्ता सिस्टम बना रखा है, और मेरी शक्ल इतनी दिखेगी नहीं तो मैं आगे का ज़्यादा दिखाऊँगा आपको। पार्किंग वगैरह इधर। ये एंट्री देखो भाई, गजब गजब कर रखा है। वाह भैया आंटी कल दिल के इसमें फोटो खिंचवा रहा है। ये देखो सही सिस्टम है नहीं। ये देखो भाई डिज्नीलैंड मतलब बढ़िया है बच्चों के लिए, मतलब ठीक है, बच्चे आएंगे ना आपके तो यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखो झूले वगैरह, ये देखो भाई छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले। ये शादी पार्टी में होते हैं ना अपने यहाँ, ये वो वाला है। वो देखो अंदर सही मज़े ले रहा भाई, छोटा सा बच्चा है, देखो कैसे कूद रहा है। इधर रेट वगैरह लिख रखे हैं ये रे। ड्रैगन 100, मिकी माउस 80, कैटरपिलर 80, हेलीकॉप्टर 80, मतलब वो ये 50 से लेके तुम्हारा नहीं, हाँ 200 तक लास्ट है। 50 से 200 मतलब ठीक है ना, बजट ही है पूरा। ये बड़ों का है ड्रैगन ब्रेक डांस 4-स्टार, मतलब सही सिस्टम भाई। ये देखो क्या गजब बना रखा है। अपन झूल सकते हैं, हाँ उस वाले में चले चले चले, यहीं से टिकट लेनी पड़ेगी। वाह भाई मतलब बढ़िया। अरे ना ऊपर से उसमें भी तो बनाएंगे ना, तो भाई हम सोच रहे वो वाला ट्राई करते हैं, कह रहे हैं। ये चला भाई ये देखो भाई इसका दिखाते हैं, इसकी भी वही होगी 100 समथिंग की टिकट। चला दे भाई चला दे, रोक क्यों रहा है, किसी को बैठाएगा शायद ये। हाँ ये खुद बैठ गया, वाह वाह मेरे शेर वाह, बहुत सही बना रखा भाई कुछ भी। देखो भाई स्पीड चेक करो इसकी, और सिर्फ दो ही बंदे बैठे हैं। हाँ इंडिया वाला सिस्टम नहीं, जैसे अपने इंडिया में होता है ना कि हाँ भाई फुल होएगा तभी चलेगा, हाँ जब तक भरेगा नहीं तब तक चलेगा नहीं। यहाँ मतलब सिंगल में भी चला देते हैं, और एक ये हैमर वाला उस साइड है वो भी अभी मतलब चल रहा है, उसमें बैठा होगा कोई ना कोई। तो बाकी मतलब देख के भाई लग रहा है कि हाँ डिज्नीलैंड की थोड़ा सा वो दिया है, मतलब हमारे यहाँ इसको मेला बोल देंगे। यहाँ पर इन्होंने एक मतलब परमानेंट बना रखा है ये डिज्नीलैंड के हिसाब से, मतलब परमानेंट सारे झूले चलते ही रहते हैं यहाँ साल पूरे, मतलब 12 मास मतलब 360 डे। तो भाई ₹300 दे दिए हमने टिकट के, और ये सामने जो है ना ये है, इसका नाम है कोलंबस, तो इसको हम ट्राई करने वाले हैं। ले ली, हाँ भाई ट्राई कह दे भाई, हमने ले ली टिकट ₹300 की। ये है टिकट भाई जी, ये वाला ट्राई करते हैं। कोलंबस तो ये है, ये कोलंबस है भैया, अपने इसको नाव बोलते हैं ना ड्रैगन वाला, इसका नाम है कोलंबस। देखो इसकी भी टिकट वही है ₹150, अब ये भी चलने वाला है, और हम ट्राई करेंगे इसमें कोलंबस। लिखा तो है कोलंबस, अरे इसको भाई उधर लिखा होगा ना इसका, इसको लिख रखा जी व्हील, हाँ तो जी व्हील ही होगा ना ये तो। ये देखो भाई स्पीड देखो, राहुल फिल्टर लौटना हुआ है। लो भाई
ये चल गया। ओ भाई ये लो भाई, पूरा ही सही में पूरा ही मेला लगा रखा है डिज्नीलैंड। और ये वो हो गया डिस्को डांस मेरे ख्याल से। इधर कैफे वगैरह भी है और उस साइड भी है दो चार छोटे छोटे बड़े बच्चों के लिए, मतलब छोटे छोटे गेम बड़े बच्चों के लिए। ये देखो भाई साहब अलग ही है। ये आया फुल चिल्ले हमार रहे भाई बल्ले। और अपन इस वाले में ट्राई करते हैं, तो चलो पहले टिकट देते हैं और इसमें चलते हैं। भाई साहब इसमें जा रहे हैं हम, मेरी हो रही है वाट हाइट। चलो भाई इन करो, इधर से टिकट देनी है उधर। ओ भाई हवा देख रहा है भाई साहब, हवा देख रहा है। ओ भाई ये बैठे, इसमें भी बैठे हैं भाई साहब। गजब है भाई गजब, मतलब एक्सपीरियंस बढ़िया होने वाला है इसके बाद, मज़ा आने वाला है भाई। यहाँ खड़े हो जाते हैं, अपने पे लाइट भी दिखती रहेगी, हम बोलते भी रहेंगे, मतलब अमेजिंग होने वाला है। मैं मतलब बचपन के बाद अब बैठ रहा हूँ इस वाले झूले के अंदर। ये देखो ओ भाई गजब है। तो भाई साहब ला टिकट दे लो भाई। ये तो अभी से टेढ़ा हो रहा है। ओ भाई ये देखो, ये है अपनी हथकड़ी सी, उठाओ इसे। लगा हथकड़ी नहीं चेड़े कड़ी, ये रोहित भाई की लग गई इधर और इधर मेरे लगा दी भाई। इधर लोग ओ भाई बैठे हैं भाई, मजे आने वाले हैं भाई। ऊपर से देखते हैं क्या भाई चला गया, मजेदार। तो ये ओ भाई जल्दी 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 ला भाई सो। ये पीछे और भी लोग बैठ रहे, तो पहले चलने दो फिर दिखाते हैं आपको। झूला हमारा आ गया ऊपर और हवा टाइट हो रही है बहुत कैडे वाली भाई। ये है इधर फे वाले और ये नीचे का पूरा देखो भाई, मतलब ओ भाई ओ भाई मजा तो आएगा। ओ ओ ओ, 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 ओ सरवारी हो रहा मेरा तो। ओ भाई भाग दे वो भूल गया चला के। ओ भाई फोन पे लग गया सेटिंग से बात कर रहा है। मम्मा अब मतलब डर नहीं लग रहा यार, सर एक तो भारी सा हो रहा, पेट को गुदगुदी से भाग दे। 20 रुपए पालतू ले लियो। ओ भाई भाई 20 रुपए पालतू ले लियो। ओहो भाई मंदी हो गई। तो भाई ये अब मैं व्यू दिखा देता हूँ क्योंकि अब डर नहीं लग रहा, अब हो गया ये मंदा। तो व्यू देखो भाई, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह है यहाँ पर, इसके बिल्कुल आसपास का एरिया है। ये फेवा लेक है सामने ही। ये देखो ये फेवा लेक है और ये है रेस्टोरेंट वगैरह, लाइन से सारे रेस्टोरेंट है। इधर ज़्यादा है नहीं, इधर पूरा ये अपना डिज्नीलैंड है, दिखा देता हूँ आपको। ये रहा पूरा डिज्नीलैंड है ये पीछे की तरफ अपना, ये देखो मजा आ गया। लेकिन कुछ भी कहो है नहीं, पैसा पूरा हो गया, पैसा पूरा हो गया भाई, है ना। पर साला सही बताऊं भाई साहब मेरे पेट में है ना रायता बना दिया।
जो खाएगा ना मेरा सर ऐसा हो रहा, जी उल्टी जैसा हो गया मेरा, गलती कर दी बैठ के इसने, खिचड़ी बना दी इसने। और रोक भी दे अब 20 के 50 ले लियो, भूल गए चला के। अरे अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम अरे राम, भाई 50 ले लियो 20 के, रोक दे। रोक ही ना रहा यार, बड़ा ढीट है ये बंदा भी। हे प्रभु, हे हरि राम, जय नाथम प्रेमानंदी। उल्टी मत कर दिए तू तो। उल्टी जैसा हो गया मेरा तो, गलती बैठ गया भाई, मैं ना बैठूं अब किसी की झूले में। भाई रोक नहीं दे अब, कल उतार रहेगा। ले भाई आगे, धन्यवाद भैया। खोलना इसको, तुमने क्या करा दिया ये। चलो भाई चलो, पेट गड़बड़ हो गया यार मेरा तो कसम से। एक तो कुछ खा नहीं रखा ना इस वजह से। ये देखो भाई, ये ड्रैगन वाला है और ये है अपना वही क्या बोलते हैं, डिस्को डांस टाइप होता है, सबसे खतरनाक इसे ही बताते हैं। बाकी चलते हैं, इधर क्या है, इधर तो वही कैफ़े वगैरह है दो चार छोटे छोटे। हाँ, ये पीछे की तरफ रास्ता निकल रहा है और उधर है स्केटिंग जोन। हाँ, स्केटिंग दिखा के लाता हूँ, आ जा। हम भी स्कूल टाइम में करते थे यार, अब तो पता नहीं मेरे को, मैं भूल गया या पता नहीं करूँ, सोच तो रहा हूँ कर लूँ, पर देखते हैं क्या करता है, करते हैं या नहीं करते। बाकी ठीक है यार, मतलब बढ़िया बना रखा है एक तरीके से। ये देखो 200-300 से ऊपर ही होगा मेरे हिसाब से इसका चार्ज भी ना, जितना भी उधर से मिलता है सामने है ना, ये इधर से सारा सामान मिल जाता है और ये सब कर रहे हैं अभी। 200 रुपये चार्ज है, ठीक है 200 रुपये तो कोई माड़ा नहीं है, मतलब बढ़िया है। 200 रुपये में क्या ही है, 200 रुपये एक घंटा बहुत है। मैं स्कूल टाइम में करता था, मेरे पास ऐसे वाले थे जो सिंगल लाइन में है। अब पता नहीं कितने साल हो गए स्कूल छोड़े भी, 2012 बैच था मेरा, बहुत गिरा हूँ अब तो छोड़ दिया मैंने। ये तो वही है भाई, बच्चों की टक्कर, गाड़ियों को टक्कर लगवाते ना, भटाई भट भटाई भट भटाई भट, वही सिस्टम है। मतलब पोखरा डिज्नीलैंड वोर्थ है भाई, अगर आप यहाँ आ रहे हो ना तो निराश होके नहीं जाओगे, मतलब बढ़िया सिस्टम है और मतलब वोर्थ है, वोर्थ है विदाउट एनी टिकट। और क्या है इधर, ये शूटिंग, ओ भाई साहब बंदूकें देख रहे हो, बंद देख रहा है, शूटिंग रेंज बना रखा भाई पूरा, बंदूक देखो फुल लगा के, स्कोप एटैक्स M4 है, हाँ M4 है, और पबजी की M4 देख रहे हो भाई, ये पूल है भाई, पूल टेबल भी लगा रखे, मतलब बढ़िया बना रखा है, वोर्थ है भाई। ये पूरा पीछे का हिस्सा, ये कैफे वगैरह बना रखे, खाने की चीज़ें हैं, नॉन वेज है ये तो वही भाई, आजकल शादी ब्याह में भी लगने लग गए ना अपने यहाँ। ये देखो भाई, ये हैमर, ये गया, ओ भाई उल्टे कर दिए सारे, ओ तेरी उल्टे लटका रखे सारे। ये देखो, ओ भाई ये रवि यार करेगा, मैं ना करूँ मेरा पेट खराब हो गया, इतना करना कर ले, मैं देखता हूँ भाई। झूले की वजह से ना मेरा पेट है ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर गया है, अजीब सा दर्द हो रहा है पेट के अंदर, तो वीआर कर रहे थे, राहुल करेगा। क्या चार्ज है भैया इसका? 200-300 का नॉर्मल होता है। 200 वाला कर ले, ये होगा ना 200 वाला, ये एडवेंचर है, एडवेंचर वो तो मेरा पहाड़ वाड़ गिरते हैं। 200 वाला कौन सा है? वो समुंदर के अंदर वाला होता है, समुंदर के अंदर जाएगा बाहर जाएगा वो साथ। ये वाला कर, मैंने ये करा था। बढ़िया वाला कौन सा? ये मैंने पिछली बार यही करा था। टिकट कहाँ है? टिकट विकट कुछ नहीं, यही होगा जो होगा। वीडियो बना तो भाई नहीं नहीं इसको इसको करना है बस। ये राहुल हो रहा है तैयार, ये वीआर देखो भाई, ये है ना सारा हिलेगा जब ये पूरा तैयार हो जाएगा। और इधर दिखाऊंगा कि राहुल के कैमरे में जो जो दिखेगा ना वीआर के अंदर, वो सारा यहाँ होता दिखेगा। लो भाई राहुल हो गया तैयार, राहुल का फ़ोन मेरे हाथ में, इसकी रिकॉर्डिंग हम बना रहे हो। तो हिलेगी इधर उधर देख, साइड में देख। ओ भाई ऊपर चढ़ गए, चिल्ला क्यों रहा है? वो जो सामने चल रहा है ना, वो इसके सामने दिख रहा है अभी। ओ भाई रोक दे, अभी तो कुछ भी ना है।
भाई देख रहे हो ये पूरा हिल रहा है भाई वो यार ये तो बहुत ही ऊपर जा रहा है अभी धंधे वाले करना था ना तेरे अरे भाई ना ना ठीक है ओ भाई ओ देख अभी भी हिल रहा है भाई लगे ना असली में कि गया काम था पिछली बार मैंने भी यही करा था भाई साहब खतरनाक आदमी इसको तो झूला झुलाना ही बेकार है गाड़ियां पकड़ना चालू कर देता है भाई इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी यार मतलब बढ़िया सिस्टम है ज्यादा वो नहीं है 200 300 और 400 मतलब 400 वाला जो है ना वो सबसे ज्यादा डेंजर है यहाँ पर मतलब बढ़िया है वैसे वोर्थ है अगर आप ये करना चाहो क्योंकि मैंने खुद पिछली बार यही किया था और इसमें एक अलग ही एक्सपीरियंस लगता है मतलब ऐसा लगता है कि हम सच में इसके अंदर जा रहे हैं मतलब पत्थर गिर रहे हैं हमारे ऊपर इसलिए मतलब मैं भी ये सोच रहा था नहीं पर भाई सही में ही होता है इसकी तो हवा टाइट इसको और डेंजर वाला करना होता था इसकी हालत ख़राब हो जाती मतलब सही है भाई बढ़िया सिस्टम है तो भाई राहुल का तो देख लिया अब मैं दिखा रहा हूँ दूसरे वाला गेम देखो ये देखो ये सारे आपस में कैसे टकरे मार रहे हैं ओ भाई मतलब बढ़िया गेम है बच्चों वाले जो पहले हम खेलते थे ना स्कूल से पिकनिक वगैरह जाते थे एडवेंचर आइलैंड वगैरह उस टाइप का यही है पूरा मतलब बढ़िया सिस्टम बना रखा भाई इधर भी गाड़ियाँ खड़ी है ये देखो ये वाली और इधर ये सारे लग रहे हैं आपस में लड़ रहे हैं ओ तेरी भाई शाबाश आप एक बार ज़रूर आना अगर आप पोखरा में हो ना तो पोखरा डिज्नीलैंड है जगह का नाम और ये बिल्कुल ही लेक साइड है तो यहाँ जरूर आना मतलब बहुत तगड़ा सिस्टम है भाई एंट्री फ्री है झूले वगैरह झूलोगे तो उसकी आपकी जो है ना टिकट वगैरह लगेगी बस सो भाई ये है डिज्नीलैंड की एंट्रेंस हम यहाँ से गए थे और यहाँ से वापस आ गए तो मतलब बढ़िया सिस्टम है फोर्थ है जगह का और मतलब ये मान के चलो 50 रुपये से स्टार्ट है और 200 रुपये पे लास्ट इसकी वो है बाकी जो VR है VR अगर करोगे तो VR का आपका आएगा 200 300 और 400 मतलब ठीक है वो वर्थ इट है और दूसरी चीज़ बजट में है आप कर सकते हो आराम से सो भाई नेपाल का जो पोखरा का डिज्नी लैंड है आईलैंड कह रहा था मैं डिज्नी लैंड है भाई वर्थ है विदाउट एनी टिकट आप यहाँ जा सकते हो बस आपका जो चार्ज कटेगा वो हर झूले का मतलब झूला झूलोगे तो और झूला है 50 से लेकर 200 रुपये तक का और ये है भाई पोखरा का डिज्नीलैंड फन पार्क और ये पूरा पोखरा स्ट्रीट पे ही है जो भी मार्केट वगैरह है ना इन सब की स्ट्रीट पे तो बाकी वोर्थ है और अगर टिकट की बात बताऊँ मैंने बता ही दिया वैसे भी 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है अगर VR करोगे तो VR का तो प्राइस अलग है उसका 200 300 400 ऐसा रेट है तो ये है पोखरा का आइलैंड डिज्नीलैंड तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय राम राम और हाँ घूमो यार घूमो